मेरा मन टूट चुका है। हमेशा इस कुटुंब को रास्ता दिखाने वाले आप ही हैं। आप ही कुछ बताइए। ओम ह्रीम क्लीम स्वाहा। कुंडली में कोई दोष नहीं है। अच्छा समय आ चुका है। ये क्या बोल रहे हैं? हम सब कुछ लुटाकर चौराहे पर खड़े हैं। पंडित जी तनिक यहाँ देखिए, आठवें घर का स्वामी नौवें घर में आ चुका है। ये क्या पंडित जी, घर आए लक्ष्मी को आप यूं ही भगा रहे हैं? मैंने लक्ष्मी कहा अर्थात इस घर में आने वाली बहू को, घर आई लक्ष्मी को यूं ही भगा दिया आपने? वो लड़की? पंडित जी वो लड़की नहीं, वो तो लक्ष्मी है, महालक्ष्मी, लेकिन वो एक दासी है। ये आप कैसे जानते हैं? कुंडली में जो है ऐसे ही नीच लड़की इस घर की बहू बन के आएगी। जहां दासी रहती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। ध्यान से सुनिए, राजा महाराजा भी अपने हरम में दासियों को रखा करते थे, और तो और मंदिर में भी दासियां रहती है, लोग उनका सम्मान करते हैं। यदि ऐसी कोई लड़की इस घर की बहू बनकर आएगी तो हम सबका भाग्य खुल जाएगा। सच बोल रहा हूं मैं? हम लोग बारात लेके उस दासी के घर नहीं जा रहे हैं ना, वो तो स्वयं यहाँ आ रही है। यदि आपने उसका ब्याह किसी और से रचाने का विचार किया तो फिर ये जन्म कुंडली कहती है कि ये संभव नहीं है। उसका ब्याह उस दासी कन्या के साथ अवश्य होगा, यही लिखा है, और भला इसी में है कि आप दोनों का ब्याह करा दीजिए। ये कैसे हो सकता है सोमी? इस गांव में सबके लिए उदाहरण बनकर संस्कार से जीने वाला कुटुंब हमारा ही कुटुंब है। ऐसा कार्य मैं अपने हाथों से नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए, ये कार्य संभव नहीं। और कोई उपाय नहीं है क्या? अवश्य, उच्च कुल की कन्या बताकर विवाह करा दीजिए। वैसे समय के साथ चलना या ना चलना हम पर निर्भर है, सोच के मुझे बताइए। अब चलता हूं। धन्नू, उस लड़के के साथ उसके गांव गई थी, क्या हुआ? मैंने तो तुमसे पहले कहा था, लेकिन तुम लोगों ने जबरदस्ती करके मुझे भेज दिया, इसलिए मैं चली गई। मुझ जैसी लड़की को वो लोग स्वीकार करेंगे क्या? मेरी किस्मत में शादी तो है ही नहीं। छोड़िए दीदी। अबे वो देख, तेरी बीवी का हाथ किसी और ने पकड़ा। अबे हाथ हटा, हाथ क्यों पकड़ रहा है, ये मेरी बीवी है। तुम चुप रहो, गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। नमस्ते सरकार। नमस्ते सरकार, यहाँ एक पंडित मैं जो हूँ, मुझे बताए बगैर आपने शहर ले जाकर अपने बेटे की शादी वहाँ करवा दी, ये कहाँ का न्याय है? बताए तो नहीं, लेकिन बहुत तो बढ़िया लाए हैं। थोड़ी देर चुप रहोगे? सब भगवान की इच्छा अनुसार हुआ, इसीलिए बोल नहीं सका, बुरा मत मानिए। वो तो ठीक है, लेकिन ये कह रहा हूँ अपनी समाज की है ना। मैं अच्छा, लड़के वाले तो कोई आए नहीं, इसके घर में कुछ घटना हो गई, अच्छा इसलिए नहीं आ पाए। हाँ, ये हमारी ही जाति की है। बहन जी, लड़की खाना अच्छा बनाती है, अच्छा खाना पका लेगी, इतना अच्छा तो बना के खिलाती हूँ।
आपकी बहू के नखरे तो देख लिए, गाना भी अच्छा गाती है क्या? गाना गाने के लिए नथरी की क्या जरूरत है? सिर्फ आवाज चाहिए। हाँ, ऐसा हाँ, ये बातें तो होती रहेगी। अंदर स्वामी जी इंतजार करें। चलिए चलिए अंदर चलिए। ठीक है, आइए आइए। आठवें घर में शनि है। नमस्कार। नमस्कार। सॉरी स्वामी, देर हो गई। आओ धनु, ये स्वामी जी हैं। हमारे परिवार के लिए यही सब कुछ है। सब भगवान की कृपा है। आशीर्वाद ले लो। हमारे परिवार के बारे में इसे बताइए। मैं अभी आया। सदा सुहागन रहो, खुश रहो। हाँ, मैं जा कर आता हूँ। वो तुम ही रहो। मैं पीने के लिए कुछ लेकर। हाँ हाँ हाँ, सही समय पर आए हो। आनंद हो ना? हाँ स्वामी जी। हाँ आनंद, तुम्हारी घरवाली से मैं जरा अकेले में बात करना चाहूंगा। हमारे खानदान के बारे में बताना चाहूंगा। हाँ बताइए स्वामी जी। हाँ धन्नो, पहचाना? हाँ, हैदराबाद गांधी नगर। स्वामी जी, यही है धन्नो। अरे धन्नो, चले क्या? 500 रुपए हैं तेरे पास? सिर्फ 500? पगले, मैं तेरे लिए चांदी का बंगला बनाऊंगा। वो सब मुझे नहीं चाहिए। 500 रुपए हैं तेरे पास? हद करती हो। सॉरी, पर्स खोली में भूल गया। खोली में आओ, देता हूँ। ये कहानी नहीं चलेगी। हथेली पे रोकड़ा रख, बाकी उसके बाद। सच कह रहा, पर्स खोली में है क्या? हां रेडी। धनो रुको रुको रुको, खोली में है पर्स, चलो मेरे साथ। चार रे। अरे हीरे की अंगूठी है। हीरे की अंगूठी देने वाले? हाँ हाँ, सही पहचाना। 500 रुपये नहीं थे इसलिए तू उस दिन फिसल गई। आज 500 रुपये है। मजाक मत करो स्वामी जी, अब तो शराफत से पेश आओ। बहारों फूल बरसा, मेरा महबूब आया है। आओ जी, इतनी देर क्यों लगा दी? हाँ, पहले मैं कितनी आजाद थी, लाके मुझे इस कमरे में बंद कर दिया। ये लो खाओ। अरे खाओ ना, इतनी सारी चीजें हैं खाने के लिए। आधा तो मैंने खा लिया, थोड़ी बहुत तुम भी खा लो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं। ओ, ये फिल्मों में सुहागरात का जो ड्रामा दिखाते हैं वो सब करना चाहते हो? हाँ, वो सब हमें सूट नहीं होता है, समझे क्या? ठीक है, 500 रुपये नहीं है। डर गए ना? जल्दी आओ ना। आलू की सब्जी बना लूँ। किचन है। हाँ हाँ, साथ में दाल भी बना लेती हूँ। थोड़ा मसाला वगैरह देख के डालना है बेटी, ठीक है? ठीक है माँ जी। वो बघार देने वाला करछा तो देना। हाँ वो रहा, देखो। माँ जी, मैं प्याज काट के दूँ क्या? उफ़ो, वो सब तूने क्यों छुआ? पहले यहाँ से बाहर जा तू। अमावस के दिन प्याज व्याज की बात कर रही है, अगर उन्होंने कहीं सुन लिया तो। अरे रे, मैंने तो नहा लिया है माँ जी। उफ़ो, तुझे मैं कैसे समझाऊँ? आज अमावस के दिन श्राद्ध करने का दिन है, आज इन सब का उपयोग नहीं करना चाहिए। पहले तू बाहर जा। क्यों बेटी, तू नहीं समझा सकती क्या इसको? वो क्या क्या करी मुझे कुछ नहीं पता। बेटा आनंद, ठीक है, गलती हो गई, मैं चली जाऊँ। अरे उसे वहां मत रखो, अशुद्ध हो गया, यहाँ रख दो। यहाँ तो बहुत सारे बर्तन हैं, मैं धो के रख दूँ? ओफो, उन सब बर्तनों को छूकर तो उन्हें अपवित्र मत कर। आज छुआछूत को ध्यान में रखकर मैंने सब हल्दी के पानी में रखा है, तू पहले यहाँ से बाहर जा। माँ जी मैं। बेटा आनंद। आ रहा हूँ माँ। बस आनंद तू आ गया, अब पहले से यहाँ से बाहर लेकर जा। सब्जी उन्हें काटने दो ना, तुम क्यों छू रही हो? मैंने तुमको भी छुआ है, तुमको भी डाल देंगे क्या हल्दी के पानी में? प्लीज धन्नू। सब के सब